प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इनके कैबिनेट मिनिस्टर्स सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं। योजनाओं के बारे में बताना हो, सरकार की तारीफ करनी हो या ऑपोजिशन को काउंटर करना हो, वे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। कई मंत्रियों ने तो सोशल मीडिया टीम हैंडल करने के लिए अलग से टीम लगा रखी है। ऐसे में जब देश सबसे बड़ी त्रासदी का सामना कर रहा है, तो ये मंत्री कोरोना की तैयारियों को लेकर क्या सजग हैं? हमने मोदी कैबिनेट के 10 मंत्रियों के ट्विटर हैंडल चेक किए और हमें चौंकाने वाली बातें मिली। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि गृह मंत्री अमित शाह ने 1 मई से लेकर 14 मई के बीच कोरोना की तैयारियों पर सिर्फ एक ट्वीट किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने 1 मई से 14 मई तक कुल 51 ट्वीट किए। इसमें कोरोना पीड़ितों के मदद से जुड़ा कोई भी ट्वीट नहीं था। उन्होंने शोक संवेदनाओं के लिए 10 और जन्मतिथि और पुण्यतिथि बताने के लिए 4 ट्वीट किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कुल 25 ट्वीट किए। इसमें से 5 कोरोना की तैयारियों से जुड़े हुए थे, लेकिन कोरोना पीड़ितों की मदद से जुड़ा हुआ एक भी ट्वीट नहीं था। इन्होंने शोक संवेदना जाहिर करने के लिए 6 और जन्मतिथि पुण्यतिथि के लिए 3 ट्वीट किए। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने टोटल 110 ट्वीट किए। इसमें उन्होंने 32 कोरोना की तैयारियों से जुड़े हुए ट्वीट किए पीड़ितों की मदद के लिए, लेकिन उन्होंने एक भी ट्वीट नहीं किया। शोक संवेदना के लिए 1 और 56 ट्वीट उन्होंने जन्मतिथि और पुण्यतिथि के लिए किए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस दौरान कुल 37 ट्वीट किए। इसमें 4 शोक संवेदनाएं थी, 3 जन्मतिथि और पुण्यतिथि थी। महामारी के इस विकराल दौर में स्वास्थ्य मंत्री काफी सक्रिय दिखाई दिए। उन्होंने इस दौरान कुल 247 ट्वीट किए। इनमें से 158 कोरोना से जुड़े हुए थे, लेकिन कोरोना पीड़ितों की मदद से जुड़ा हुआ कोई भी ट्वीट नहीं था। हर्षवर्धन ने 5 शोक संवेदनाएं जाहिर करी हैं और 7 जन्मतिथि और पुण्यतिथि पर ट्वीट खर्च किए हैं। पीयूष गोयल ने इस दौरान कुल 158 ट्वीट किए। इसमें से 109 कोरोना से जुड़ी तैयारियों को लेकर थे, लेकिन संक्रमितों की मदद के लिए उन्होंने एक भी ट्वीट नहीं किया। इस दौरान उन्होंने 3 शोक संवेदनाएं जाहिर की और 3 जन्मतिथि पुण्यतिथि से जुड़े हुए ट्वीट किए। 1 मई से 14 मई के बीच प्रकाश जावड़ेकर ने कुल 66 ट्वीट किए। 24 कोरोना की तैयारियों से जुड़े हुए थे, लेकिन संक्रमितों की मदद के लिए उन्होंने एक भी ट्वीट नहीं किया। साथ ही 7 ट्वीट उन्होंने शोक संवेदनाएं जाहिर करने के लिए किए, 8 ट्वीट जन्मतिथि या फिर पुण्यतिथि के लिए किए। HRD मिनिस्टर पोखरियाल ने इस दौरान कुल 285 ट्वीट कर डाले। इसमें से 83 ट्वीट कोरोना से जुड़ी तैयारियों पर थे, लेकिन कोरोना की पीड़ितों के लिए उन्होंने एक भी ट्वीट नहीं किया। पोखरियाल ने 24 ट्वीट शोक संवेदना जाहिर करने के लिए किए और 23 ट्वीट जन्मतिथि पुण्यतिथि के लिए किए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 मई से 14 मई के बीच कुल 48 ट्वीट किए। इसमें 22 ट्वीट कोरोना से जुड़ी तैयारियों के लिए थे, लेकिन सीतारमण ने पीड़ितों की मदद के लिए एक भी ट्वीट नहीं किया, जबकि शोक संवेदना जाहिर करने के लिए उन्होंने 1 और 1 जन्मतिथि पुण्यतिथि से जुड़ा हुआ ट्वीट किया। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने इस दौरान कुल 47 ट्वीट किए। इनमें से 13 ट्वीट कोरोना से जुड़ी हुई तैयारियों पर थे, लेकिन पीड़ितों की मदद के लिए एक भी ट्वीट नहीं था। नकवी ने 2 शोक संवेदनाएं जाहिर की और 7 जन्मतिथि और पुण्यतिथि के बारे में ट्वीट किया। ऐसी ही और नॉलेज से जुड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप जुड़े रहिए दैनिक भास्कर के साथ। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।